अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन है, ठीक है। इसमें हमारे पास ना ग्रेविटेशन या ग्रेविटी क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी को ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा ज़मीन की तरफ आती है। रीज़न ये है कि हमारी अर्थ के अंदर एक अट्रैक्शन है जो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ना जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले जो आइडिया था, जो थ्योरी थी, वो आइज़क न्यूटन ने जो पेश की, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास टॉपिक ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसका आपने फार्मूला ड्राइव करना है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो हम यहाँ लेट करते हैं, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ टू बॉडीज हैं, M1 है और M2 है। M1 हमारे पास जो बॉडी है, हम कहते हैं M1 है वो M2 पे फोर्स लगा रहा है, और जो M2 है हमारे पास वो M1 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब हम कहते हैं दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास, हम कहते हैं M1 और M2 ये सेंटर है दोनों हमारे पास बॉडीज के, हम कहते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपका डी है, ठीक है। अगर तो हमारे पास M1 और M2 दोनों अगर हमारे पास मैसेज ज़रा बड़े होंगे तो दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दोनों हमारे पास जो बॉडीज हैं लाइट होंगी, छोटी होंगी, दोनों के दरमियान फोर्स हमारे पास यानी एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करने की कुवत है, जो फोर्स है वो आपकी ज़्यादा होगी कब, जब दोनों बॉडी बड़ी होंगी। जब दोनों बॉडी हमारे पास छोटी होंगी तो उनके दरमियान जो अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कम होगी, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है M1 और M2 के, कि अगर हमारे पास M1 M2 दोनों मैसेज बड़े होंगे तो उनके दरमियान फोर्स ज़्यादा होनी है अट्रैक्शन की, अगर दोनों मैसेज हमारे पास कम होंगे तो उनके दरमियान फोर्स हमारे पास कम होगी, दूसरे को खींचेगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका जो F है वो इनवर्सली है 1/d² के, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस डायग्राम के अंदर दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस हमारे पास कम होगा तो फोर्स आपकी ज्यादा होनी है, जो ही हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फोर्स इनकी हमारे पास कह सकते हैं कम होनी है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी कम हो जाती है, एक कम कर दूसरी बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं इनवर्सली, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, ये दोनों आपकी फोर्स है, इनको हम 1 टाइम लिखेंगे, साइन आएगा हमारे पास डायरेक्टली का M1 M2 × 1/d² M1 M2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा M1 M2/d². अब यहाँ इसको आपने इक्वल में चेंज करना आएगा, F = हम यहाँ g लगाएंगे, F = g M1 M2/d², यहाँ g का मतलब है कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ हमारे पास वैल्यू ऑफ g है वो 6.673 × 10⁻¹⁻ Nm2kg-2 है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक क्या था कि हमारे पास जो यूनिवर्स के अंदर कोई भी आपकी दो बॉडी हैं, ठीक है, वो एक बॉडी दूसरी पे फोर्स लगाती है, दूसरी जो पहली पे लगाती है, ठीक है। अब कुछ बॉडी के हमारे पास कह सकते हैं जो फोर्स है वो ज्यादा होती है, ठीक है, कुछ की हमारे पास कम होती है। ऐसे अगर हम जमीन के ऊपर अर्थ के ऊपर चल रहे हैं ना, तो हम अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं और अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, अब हमारी जो फोर्स है बहुत कम होती है, ठीक है, ना होने के बराबर है, लेकिन जमीन की जो अट्रैक्शन है, जो अर्थ की अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कोई भी जो बॉडी है जो जिसको हम जमीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो हमेशा जमीन की तरफ ही आती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन की फोर्स ना हो तो वो आपका जो बॉडी है वो आपका एयर में स्टिल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था, ये आपने घर में याद करना है जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।